मेरे पास है 6 मैच स्टिक्स। इन 6 मैच स्टिक्स के साथ मुझे बनाना है पूरे 5 स्क्वायर्स। एक स्क्वायर तो मैंने बना लिया ऐसे, ये बड़ा आसान था। पर बाकी के 2 मैच स्टिक के साथ मुझे और 4 स्क्वायर्स बनाने हैं, वो भी बिना तोड़े। कैसे बनाऊं? मुझे तो समझ में आ नहीं रहा। आपको समझ में आ रहा है क्या? मैं अपना दिमाग चला रही हूँ, आप भी अपना दिमाग चला लो। देखो मेरे दांत कितने तेज हैं। टाइम ओवर हो गया, अब बताती हूँ। हाँ मुझे पता लगा, एक ट्रिक है बस। एक मैस्टिक ऐसे रखो, दूसरा मैस्टिक ऐसे रखो, और ये बन गया 1 बिग 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब ये जो है ना स्क्वायर, ये स्क्वायर एक्चुअली मेरे घर का पॉन्ड है। मेरे घर में एक स्क्वायर पॉन्ड है जिसके किनारों पर, कॉर्नर्स पर एक्चुअली बड़े बड़े से कप की स्टैचू बनी हुई है। ऐसे सारे कॉर्नर्स पे, चारों कॉर्नर पे एक एक बड़े से कप की स्टैचू बनी हुई है। अब मेरी डॉटर, वो बड़ी हो गई है, उसने कहा कि मम्मा क्यों ना हम अपने पॉन्ड का साइज डबल कर लें, लेकिन ये जो हमारे कप है ना, ये यहीं के यहीं रहेंगे। मुझे कप का प्लेस नहीं चेंज करना, आप बस कुछ ऐसा करो कि हमारा ये जो स्क्वायर पॉन्ड है इसका साइज डबल हो जाए। अब मैं सोच रही हूँ क्या करूँ, और ये मेरी डॉटर इमोशनल इमोशनल मेरे ऊपर अत्याचार करती रहती है। लव यू मॉम, प्लीज मॉम, मेरे लिए आप ये कर दो ना, आप मेरे इस पॉन्ड का साइज डबल कर दो, मुझे फिर से एक स्क्वायर पॉन्ड ही चाहिए मॉम। लेकिन ये जो कप के स्ट्रक्चर्स हैं ना, इन्हें चेंज नहीं करना। अब मैं सोच रही हूँ कि क्या करूँ। आपको समझ में आ रहा है कैसे होगा ये बिना कप को हटाए? तो मैं अपना दिमाग चला के कुछ करने की कोशिश कर रही हूँ। क्या कर रही हूँ मैं? डायगनल्स को ज्वाइन किया है मैंने। डायगनल्स को ज्वाइन करके कोई बात बनेगी क्या? आपको लगता है डायगनल्स को ज्वाइन करके बात बनने वाली है? मैं फिर एक डबल साइज का स्क्वायर पॉन्ड बनवा पाऊंगी बिना कप को हटाए? देखिए देखिए आप ध्यान से कि मैंने क्या किया। मैंने अपने इस स्क्वायर पॉन्ड का ये जो ट्रायंगल पोर्शन है ना, इतना ही ट्रायंगल इधर बनाने का डिसीजन लिया, और ये जो ट्रायंगल पोर्शन है ये इधर बनाने का डिसीजन लिया। एक्चुअली ये सब मैंने खुद नहीं किया, एक बहुत ही इंटेलिजेंट आर्किटेक्ट ने ये बताया मुझे। ये ट्रायंगल इधर की ओर, नहीं समझ में आया? अब मैं सिंपल तरीके से बताती हूँ जैसे मुझे बताया था आर्किटेक्ट ने। ये देखो, जो ट्रायंगल इधर था उसे इधर बना दिया, जो ट्रायंगल इधर था उसे इधर भी बना दिया, जो ट्रायंगल इधर था उसे इधर भी बना दिया, और इधर वाले ट्रायंगल को भी इधर बना दिया। अब मैं ये कप्स हटा के आपको दिखाती हूँ। ये मेरे पास एक छोटा स्क्वायर पॉन्ड था, और अब मेरे पास है एक बड़ा स्क्वायर पॉन्ड, बिल्कुल डबल। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, एंड अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी, कुछ भी अच्छा लगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।